आप सबको विदित होगा कि श्रील प्रभुपाद जी 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किए। उनके हस्तकमल से श्री श्री गौनिताय कृष्ण बलराम राजश्याम सुंदर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जब से ये मंदिर बना हुआ है तब से और आज तक प्रत्येक दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। एक समय था जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय हम लोगों का मंदिर सबसे बाहर था। ये लास्ट मंदिर था, ये लास्ट गेस्ट हाउस था, फिर भी लोग आते थे क्योंकि वो अंग्रेजों का मंदिर देखना चाहते और विदेशी भक्तों को देखना चाहते। लेकिन कालांतर में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतवर्ष में प्रचार हो रहा है कृष्ण भावना का, बहुत से लोग भक्त बनते जा रहे हैं। साथ साथ भारत में अभी सनातन धर्म के प्रति लोगों का बहुत झुकाव हुआ है। सब लोग बातें करते हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म, और इस प्रकार से प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। केवल दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व से आ रहे हैं। अब हम लोगों का जो फैसिलिटी है उतना तो सुयोग्य है नहीं, जमाना बदल गया। 75 और आज में बहुत अंतर है, 48 ईयर का हो गया, 48 साल ऑलमोस्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि आगे पीछे कितने गेस्ट हाउस बन रहे हैं, कितने फैसिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मंदिर का मैनेजमेंट टीम डिसाइड किया है कि हम लोग इसको डेवलप करें। अभी पिछले साल बहुत सुंदर गुरुकुल बनाया गया, जो गुरुकुल यहाँ पर था इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया। जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, यदि नए गए हैं तो आप जरूर देखिए, वहाँ सब व्यवस्था है। अब यहाँ हमारे पास जमीन है तो मंदिर के व्यवस्थापकों ने निर्णय किया है कि उसको तोड़ करके पुराने गुरुकुल को और बहुत सुंदर मॉडर्न स्टाइल का एक व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसमें बहुत से फैसिलिटी होंगे, गेस्ट हाउस होंगे, अतिथि शाला होगा आप लोगों के रहने के लिए, बड़ा प्रसादम हॉल होगा, शिक्षा का केंद्र होगा जहाँ पर हम लोगों को बतला सकते हैं कि सनातन धर्म है क्या। दुख की बात है कि आज के लोग नहीं जानते हैं सनातन धर्म क्या है। लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, लेकिन पूछिए कि गीता और भागवत में क्या अंतर है, उनको मालूम नहीं है। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं। हमारे पास लिमिटेड रूम है, लिमिटेड व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि आप प्रथम व्यक्ति बने जो आ करके और अपना सौभाग्य प्राप्त करें। देखो जी, पैसा तो रह जाएगा लेकिन भगवान का सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान का कृपा। तो आप लोग एक वो व्यक्ति बने जो भगवान के कृपा पात्र हैं, जो कृष्ण बलराम और श्री प्रभुपाद जी के कृपा पात्र हैं। बहुत से स्कीम है, आप लोग देख सकते हैं और देखिए आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है, सेकेंड फेज है, उसको हम 2 साल में बना कर करके 2025 में कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन का 50वां साल होगा, गोल्डन जुबली ईयर, तो हम प्रभुपाद जी को और कृष्ण बलराम को इस प्रोजेक्ट को अर्पण करेंगे। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आप सब श्रद्धालु भक्त लोग जो इसको सुन रहे हैं, आप लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हुए आएंगे और कृष्ण कृपा प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि भगवान का सेवा करना ये हम लोगों का सौभाग्य है, इट्स आवर प्रिविलेज टू सर्व कृष्णा। भगवान का सेवा करना हमारा सौभाग्य है। भगवान उन्हीं से सेवा लेते हैं जो दिल से करना चाहते हैं। भैया पैसा आपको यहीं रह जाएगा, बेटे बेटी बांट लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन यदि कृष्ण के लिए आप कुछ करते हैं तो यह इटर्नल चीज। पुनः मैं आप लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आइए और इस प्रोजेक्ट के विषय में समझिए प्रभुपाद जी कितना स्ट्रगल किए इस कान को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में और स्पेशली भारतवर्ष में। प्रभुपाद जी के जीवनी को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, प्रभुपाद जी का स्ट्रगल वृंदावन में किस प्रकार से प्रभुपाद जी किए वो अभी हम म्यूजियम के द्वारा दिखाएंगे। कल ही मेरा मैनेजर से बात हो रहा था कैसे हम एक म्यूजियम क्रिएट करेंगे, तो अभी तो हम सेकेंड फेज बना रहे हैं, थर्ड फेज वो टोटली प्रीचिंग के लिए होगा और ये भी प्रीचिंग के लिए है। तो आप लोग आएँ, देखें और सब प्रकार से सहयोग करें कि 2 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट हम लोग बना करके प्रभुपाद जी को अर्पण कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।